विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं, जिन्हें किसी प्रकार के विषयों की आशा नहीं है, ना स्पर्श इंद्रिय के विषयों की, ना रसना इंद्रिय के विषयों की, ना घ्राण इंद्रिय के विषयों की, ना चक्षु इंद्रिय के विषयों की और ना कर्ण इंद्रियों के विषयों की। ऐसी सभी जो है पांचों इंद्रियों के विषय हैं और मन का विषय है, उन सब विषयों से जो है विषयों की आशा से रहित हो चुके हैं, अतीत हो चुके हैं। और ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, और ज्ञान ध्यान और तप में जो हमेशा हमेशा जो है दिन रात जो ज्ञान में हमेशा जो है स्वाध्याय में तत्व चिंतन में वह लीन रहते हैं। ध्यान और जिन्होंने जो है अपने मन वचन काय तीनों को जो है साध लिया है, एकाग्र कर लिया है, उनकी चंचलता को रोक दिया है, वही ध्यान है। और ऐसे वह ज्ञान ध्यान और तप और समय समय पर जो है, तो उन्होंने अपने जीवन भर में जो जीवन भर के लिए तप को दान किया है, दिगंध दीक्षा लेना ये भी सबसे बड़ा तप है। दिगंध दीक्षा लेना बहुत बड़ा तप है, इसलिए हमारे जब तीर्थंकरों की दीक्षा होती है तो क्या कहते हैं, तप कर लेना। क्या होगा उसको तप कर लेना कहते हैं, तो वह दीक्षा को लेना ही सबसे बड़ा तप है। बहुत से लोग सुबह वाला कई बार क्या होता है कि कोई बहुत से घोषित उपवास आदि ना करें, कोई विशेष जो है नर भी रस ना करें या कोई रस परीक्षा आदि ना करें कुछ भी, तो लोग के मन में आ जाता है अष्टमी कर दिन महाराज का आज जो है उपवास नहीं करा महाराज ने, चतुर्दशी का दिन उपवास नहीं किया भैया, महाराज तो हरी भी खा रहे हैं, महाराज तो कोई रस भी तैयार नहीं है। तो भैया महाराज बोले नहीं महाराज तो पता हम श्राव तपस्या कर रहे महाराज जी, अरे महाराज कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं कि उन्हें आजीवन ही एक टाइम भोजन कर रहे हैं। और उन्होंने जो है बोले इतना बड़ा तब इच्छा निरोध तब कर रहे हैं कि जो हाथ में आ गया वही ले लिया, इसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। इससे बड़ा जो है तब क्या हो सकता है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो इसलिए बोले ये जो है ज्ञान ध्यान तप को रखता तपस्वी सब, जैसे ज्ञान ध्यान तप ने लिया ऐसे जो है महापुरुष तपस्वी का मुनि गुरु रहा है और वही प्रसन्नी है वही वंदनी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला है, गुरु मेरी क्या है, गुरु में भक्ति हो, गुरु में भक्ति हो, गुरु में भक्ति हो, लेकिन कौन से गुरु में भक्ति हो, तो बोले चारित्र में जो चारित्र की मूर्ति है, जो चारित्र की मूर्ति विशेषण है, और जहाँ चारित्र होगा वहाँ ज्ञान दर्शन तो अपने आप होगा। रत्न तो मतलब रत्नात्रेय की मूर्ति हो गए, तो ऐसे रत्नात्रेय की मूर्ति जो गुरु है उनकी हमें भक्ति करना है, और उनकी भक्ति ही क्या है, यहाँ मान स्तंभ देख क्या क्या है, उनकी भक्ति ही क्या है, हमारे लिए संसार से पार करने वाली है और वही मोक्ष का कारण है। छत्र चूड़ामणि में दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में आचार्य बादीप सेन ने कहा है, है? हाँ, गुरु भक्ति सती मुक्ते क्षुद्रम किम नाना साधे त्रिलोकी मूल रत्ने ने दुर्लभ किम तुषोत करा तुषोत करा तु तो दुर्लभ किम तु तोष करा संतुष्ट। हाँ तो क्या बोल रहे हैं, बोले गुरु भक्ति सती मुक्ति, बोले गुरु की भक्ति करने से जो है क्या होता है, जब मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, किम क्षुद्रम किम ना साधित, तो क्या छोटी मोटी वस्तु प्रदान होगी है, तो बोले जैसे त्रिलोक के मूल रत्नी ने,
बोले जैसे बहुमूल रत्न से भूसी का खरीदना ना कुछ बात, आपके पास रत्न है तो भूसा खरीदने कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी मतलब खरीद लेगा। वैसे ही जब निष्कपट भाव से विहित गुरु से भी जब परंपरा से मुक्ति प्राप्त हो सकती है तो अन्य लौकिक कार्यों की पूर्ति होना कुछ भी बात नहीं है। ये किसने कर लिया है? वो हमें डालने के लिए कल आई नहीं थी तो निकाले हैं, उसमें डालने के लिए बिम में गिट्टी थी नहीं तो कल निकाले हैं। की करवाई हाँ पड़ जाएगी। बोले जैसे बहुमूल्य रत्नों से भूसे का जो है खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ही निष्कपट भाव से इतनी अच्छी बात नहीं है। मतलब हमारे गुरुजन जो है कोई भी बात कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ विशेषता जरूर डाल लेते हैं, या कोई ऐसी सरल बात नहीं कहते, सादी बात नहीं कहते। वो कह रहे हैं कि जो है जैसे बहुमूल रत्नों से ढेर खरीदना जो है कुछ ही बात नहीं, वैसे ही जब निष्कपट भाव से भेद होकर के, निष्कपट मतलब जहाँ पर हम गुरु भक्ति कर रहे हैं, गुरु भक्ति कर रहे हैं, कोई भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, धर्म की क्रिया कर रहे हैं, वहाँ आपको क्या करना है, एक भाव विशेष होना चाहिए, क्या निष्कपट भाव। यदि निष्कपट भाव से यदि आप क्रिया करोगे तो वही जो है आपकी गुरु भक्ति, वही प्रभु भक्ति आपके लिए परंपरा से क्या होगी, मुक्ति को प्राप्त हो सकती है। और जब मुक्ति प्राप्त हो सकती है तो अन्य लौकिक कार्यों की पूर्ति होना तो सरल है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप।